नमस्कार आप सभी को। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और खास करके बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। कैसे करें बच्चों का बचाव? अभिभावकगण किस तरह से बच्चों का उपचार करें, उपाय करें? किन बच्चों को है ज़्यादा संक्रमण का खतरा? इस वीडियो से जुड़े रहें और इन सारे जवाबों का आज उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो कोरोना संक्रमण अभी फैला हुआ है और ये हमारे तीसरे लहर में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा संक्रमित करने वाला है। कोरोना के संक्रमण की वजह से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां अभी के वक्त भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना को बच्चों के रिस्पेक्ट में तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला माइल्ड सिम्टम्स, दूसरा मॉडरेट सिम्टम्स और तीसरा सीवियर सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स मतलब जिनमें कि बिल्कुल ना के बराबर लक्षण या कुछ ही मामूली से लक्षण दिखाई देंगे। मॉडरेट सिम्टम जो कि मध्यम वर्ग का सिम्टम है, इनमें कुछ मॉडरेट लक्षण्स दिखाई देंगे। और सीवियर सिम्टम्स मतलब जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा संक्रमण का प्रभाव पड़ेगा। बच्चों के केसेस में जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके बड़े होने तक बच्चों को चार विभागों में बांटा गया है। सबसे पहला न्यूबॉर्न बेबीज, जिन्हें हम नवजात शिशु से लेके 2 महीने तक के बच्चों को कहते हैं। उसके बाद हमारे इन्फेंट्स, जिन्हें हम 2 महीने के बाद से लेके 1 साल तक के बच्चों को कहते हैं। उसके बाद है टॉडलर, जो कि 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों को कहते हैं। और उसके बाद है हमारा प्री स्कूल टू टीनेज, जिसमें कि हमारे बच्चे होते हैं जो कि 5 साल से अधिक और 18 साल से कम आयु के होते हैं। अब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के केसेस में किन बच्चों को किस तरह का सिम्टम या किस तरह का लक्षण दिखाई देगा, इसे जानने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला ब्रीदिंग रेट, सांस लेने का जो गति होती है। सांस लेने की गति उम्र के साथ हमें देखना है, अकॉर्डिंग टू एज देखना होता है। जैसे कि 60 प्रति मिनट जो ब्रीदिंग रेट है, 60 प्रति मिनट से अधिक अगर ब्रीदिंग रेट है उन बच्चों में जो कि आपके बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी, जिन्हें कि हम 2 महीनों के बच्चों में कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बच्चे ब्रीदिंग रेट के नॉर्मल रेंज से बाहर हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे कि हमारे 50 प्रति मिनट के अधिक वाले ब्रीदिंग रेट के बच्चे जो कि आपके इन्फेंट्स होते हैं। उसके बाद 40 प्रति मिनट के बच्चे जो कि हमारे टॉडलर्स हैं। उसके बाद 30 से अधिक पर मिनट के ब्रीदिंग रेट वाले बच्चे जो कि हमारे 5 साल के ऊपर से लेके 18 साल तक की उम्र के बच्चे हैं। अगर इन ब्रीदिंग रेट आपको मिल रहे हैं इन सारे बच्चों में, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे इस कोरोना से प्रभावित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माइल्ड क्लासिफिकेशन की, जो कि माइल्ड कैटेगरी में बहुत ही न्यूनतम कैटेगरी में आती है। इसमें आपको बच्चों में लक्षण न के बराबर देखने को मिलेंगे। अगर लक्षण हुआ भी तो वो नॉर्मल फ्लू जैसे कि सर्दी, खांसी या बुखार, इस तरह से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। खांसी न्यू वायरस स्ट्रेन में ये भी देखा गया है कि वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन, पेट से संबंधित बीमारियां भी इसमें पाई जाती हैं। मॉडरेट जो सिम्टम्स हैं, जिनमें कि ब्रीदिंग रेट जैसा कि मैंने आपको उम्र के साथ देखने को बताया, अगर इस तरह का आपको ब्रीदिंग रेट दिखाई देता है या फिर बच्चों में बुखार, तेज बुखार, सर्दी, खांसी, बहुत ही शरीर में थकान, सर दर्द, छाती में दर्द अगर ऐसा महसूस हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर को सलाह करें। ये मॉडरेट सिम्टम के लक्षण हैं। उसके बाद आखिरी सिम्टम जो है, जिसे हम कहते हैं सीवियर सिम्टम्स। सीवियर सिम्टम में बच्चों में खास करके मल्टी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, सांस लेने में दिक्कत, छाती दर्द, दौरे पड़ना, शॉक आना, सीजर्स आना, फिट्स आना, ये लक्षण पाए जाते हैं। अगर इस तरह के लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो बच्चों को तुरंत ही डॉक्टर या कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में दिखवाएं। ये हमारे 3 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को, अभिभावकगण को
ये देखना है। और भी अभिभावकगण के कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि पहली जिम्मेदारी, जब भी आप बाहर से घर आए तो अपने बच्चों से मिलने से पहले खुद के हाथ को सैनिटाइज करें, खुद के बॉडी को सैनिटाइज करें, उसके बाद ही बच्चों के पास जाएं। दूसरी चीज, बच्चों में खास करके जब वो पेशाब करते हैं तो उनकी गतिविधियों को नोट करें कि वो कितने बार पेशाब जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अगर वो कम पेशाब करेंगे, मतलब उनके बॉडी का जो पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इससे थकान और बुखार हो सकती है। तीसरी चीज जो है वो ये है, अभिभावक गणों को जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स, फूल फल सब्जियां हैं, वो बच्चों को खिलाना है। और चौथी और खास करके ये जो सलाह है कि किसी भी तरह के बच्चों को कैटेगरी के अनुसार ही ट्रीटमेंट दें, जैसे कि माइल्ड वाले सिम्टम में किसी भी बच्चे को तुरंत ही स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवाइयाँ ना दें। मॉडरेट या सीवियर में भी डॉक्टर के सलाह के बिना दवाइयाँ ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे दवाइयों का गलत प्रभाव भी बच्चों के शरीर में पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो बच्चों का प्रभाव जो थर्ड वेव में बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, वो बहुत ही कम या न के बराबर हो जाएगा। इसके लिए हमें और आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद।